सिद्धि का शिखर तो सबको दिखता है, लेकिन साधना की तलटी बहुत कम लोगों को दिखती है। आज गुरु सप्तमी है। युग पुरुष कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा की जन्म तिथि और पुण्यतिथि आज ही है। हमने अभी तक राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के अनेक ऐसे चमत्कारिक प्रसंग देखे हैं। वो प्रसंग देखकर हम कई बार अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन उन अद्भुत चमत्कारों के पीछे का रहा हुआ कारण शायद हम नहीं समझ पाते हैं। उनके पीछे अनेक गूढ़ रहस्य वाले कारण होते हैं। सिद्धि का शिखर तो हमने देखा है, लेकिन आज इनकी साधना की तलटी देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनके चमत्कारों को समझने के लिए उनके मूल में जाना होगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दादा गुरुदेव के जीवन में इन चमत्कारिक घटनाओं को करने वाले दो बहुत बड़े मूल कारण थे, पहला तप और दूसरा अभिग्रह। शुद्ध संयम जीवन में अधिक निखार लाने के लिए दादा गुरुदेव ने तप की अग्नि में अपने आप को तपाना प्रारंभ किया। आत्मशुद्धि हेतु प्राचीन कालीन अभिग्रह परंपरा उन्हें बहुत प्रिय थी, अतः उन्होंने अभिग्रह लेने की शुरुआत की। अभिग्रह की पूर्ति में 3, 4, 8, 9, 10, 11 ऐसे इतने दिनों तक निराहार यानी भोजन के बिना रहना पड़ता था। बाह्य तप की अग्नि में तपाकर अपने तन को शुद्ध कंचन पात्र बना दिया। उस स्वर्णिम पात्र में आभ्यंतर यानी आंतरिक तप का अमृत भर दिया। तप के साथ ध्यान साधना भी उच्च कोटि की थी। वे अपने ध्यान के लिए पहाड़ों पर जाते थे। योगी पुरुष अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए भीतर की अद्भुत शक्तियों को जगाने का प्रयत्न करते ही है। दादा गुरुदेव के तप ध्यान साधना के कुछ दृष्टांत हम देखते हैं। विक्रम संवत 1927, गुरुदेव का चातुर्मास कुक्षी यानी मालवा में था। वहाँ तप स्वाध्याय धर्म देशना उपदेशों का क्रम चल रहा था। कार्तिक वदी अमावस्या को गुरुदेव के मन में आया कि कहीं निर्जन यानी गैर आबादी वाले वन या पर्वत कंदरा यानी केव या गुफा में रहकर तप सहित अरिहंत पद का ध्यान किया जाए। मन का विचार दृढ़ संकल्प में बदल गया। पूज्य श्री ने कार्तिक पूर्णिमा को विहार करके नर्मदा के दूसरी पार जाने का निश्चय किया। विंध्याचल की पर्वत मालाओं में मांगी तुंगी का सुरम्य स्थान देखकर गुरुदेव ने वहां एकांतवासी रहकर तप चिंतन और ध्यान प्रारंभ कर दिया। कड़कड़ाती ठंड में एक वस्त्रधारी रहकर तपाराधना में कभी छठ कभी अट्टम तो कभी अट्ठाई का तप होने लगा। गुरुदेव श्री 6 महीने तक घोर तप में लीन रहे। पूज्य श्री ने 70 दिनों में 1.25 करोड़ नमो अरिहंताणम पद का जाप किया। चामुंडवन मारवाड़ में जालोर जिला के मोदरा ग्राम के समीप है। इस वन में पहले बीहड़ यानी डरावनी झाड़ियां थी। चारों ओर हिंसक जीवों का भारी भय था। गुरुदेव ने इसी वन में 8-8 उपवासों की तपस्या करते हुए पद्मासन में प्रभु के ध्यान में मग्न थे। उस समय किसी दुष्ट ने मारने के लिए इन पर तीर फेंके, परंतु एक भी तीर इनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सका। यही पर एक तस्कर या डाकू हाथों में तलवार लेकर गुरुदेव को मारने के लिए दौड़ा, परंतु वह पूज्य श्री के पास पहुंच ही नहीं पाया। बीच में ही मूर्छा खाकर गिर पड़ा। कुछ चेतना आई यानी जब होश आया, तब गुरुदेव के चरणों में आकर उसने क्षमा प्रार्थना की और भविष्य में ऐसा घात की हिंसा वाला काम कभी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वह वहां से अपने घर गया। एक पल के लिए सोचे, यदि एक व्यक्ति मेहमान के तौर पर कहीं जाता है और उसे कह दिया जाए कि रुको, पहले हम आपकी परीक्षा लेंगे फिर ही अंदर आने देंगे, और जब तक परीक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक अंदर आने नहीं देते, और तब उस व्यक्ति को कैसा लगेगा सोचिए। चलिए मान लेते हैं ईमानदारी साबित करने के लिए परीक्षा देने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है, किंतु परीक्षा देने के बाद क्या अंदर जाने का मन भी उस व्यक्ति को होगा? मन में किस तरह के विचार चलते होंगे सोचिए। गुरुदेव श्री विहार करते करते कुक्षी पधारे। तब माघ का महीना था, सर्दी बहुत भयंकर थी। कुक्षी छोटा कस्बा था। वहां के प्रमुख श्रावक तत्वज्ञान और कर्म ग्रंथों के ज्ञाता थे। वे श्रावक परीक्षा करके ही गुरु भगवंतों को वस्ती यानी अंदर आने देते थे। उन्होंने गुरुदेव श्री को वस्ती नहीं दी, फिर भी गुरुदेव तो प्रसन्नता पूर्वक नगर के बाहर बड़ वृक्ष के नीचे ही रुक गए। रात्रि में कुक्षी के श्रावक आए, कर्म ग्रंथ तत्ववाद नयवाद संबंधी चर्चा की, फिर घर चले गए। इस तरह 8 दिन निकल गए, 8 उपवास हो गए। 9वें दिन श्रावक आए। इतने दिनों में पहली बार वंदना की। सभी ने नगर में पधारने हेतु प्रार्थना की, तीव्र आग्रह किया और बड़े ठाट बाट से उपाश्रय में ले गए।
सभी ने क्षमा मांगी। गदगद होकर 8 दिनों के बाद गोचरी के लिए विनंती की और विक्रम संवत 1927 का वर्षावास कुक्षी में किया। यही तो एक जैन साधु की महानता है। ज्ञान के साथ नम्रता भी हृदय में कूट कूट कर भरी होती है। गुरुदेव के उपदेश और वर्तन ने कुक्षी के प्रत्येक श्रावक के मन में श्रद्धा भर दी थी। 1939 के चातुर्मास में सारे आगम सुनाए, सुबह मूल सूत्र सुनाते, दोपहर को उनका संक्षेप अर्थ समझाते थे। यहाँ पर तीसरा चातुर्मास संवत 1961 में किया। तीनों चातुर्मास में साहित्यिक रचनाएं की है। इस प्रकार गुरुदेव कई दिनों तक उष्ण यानी गर्मी के काल में आग के समान तपी हुई पर्वत की धकधकती शिलाओं पर और नदी नालों की रेत पर आतापना लेते थे, यानी गर्म ताप लेते थे। शीत काल में असह्य ठंड में खुले शरीर नदी या तालाब के तट पर अथवा जंगल में वृक्ष तले खड़े खड़े कायोत्सर्ग ध्यान करते थे। भगवान महावीर स्वामी की याद दिला दे वैसी गुरुदेव की साधना थी। वर्षा काल में स्वाध्याय ध्यान और तपस्या में निरत रहकर इंद्रिय दमन करते थे, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करते थे। प्रतिदिन संध्या प्रतिक्रमण के अनंतर रात्रि में 12 बजे से 3:30 बजे तक आसन त्याग कर बिना किसी व्यग्रता से प्रभु ध्यान में मग्न रहते थे। सहज में पता लग जाता है कि इनका आत्मबल तपश्चरण एवं समाधि योग कितना प्रबल और कितना दृढ़ था। एक बार दादा गुरुदेव का चातुर्मास रतलाम में था। प्रवादी राज पर्युषण पर्व आने पर 9 उपवास किए। इसी बीच गुरुदेव ने अभिग्रह लिया था कि जो कोई साधक स्वयं आकर 12 व्रतों का संकल्प लेगा तभी गोचरी के लिए प्रस्थान करूंगा। इसके साथ ही गोचरी में भी प्रथम ग्रह से 2 दत्त अन्न और फिर 1 दत्त पानी मिलेगा, वही ग्रहण करूंगा, अन्य नहीं। दत्त यानी दत्ती, यानी कि एक बार यदि कोई भी चीज वोहराई जाए उसे दत्ती कहते हैं, दूसरी बार वोहराई जाए तो उसे दूसरी दत्ती कहते हैं। गुरुदेव के दोनों ही अभिग्रह असामान्य थे। निश्चित समय पर ऋखभचंद नामक एक युवक गुरुदेव के पास आया और उसने निवेदन किया, गुरुदेव मैं 12 व्रतों की अनुपालना का आचरण ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन देकर 12 व्रती बनाने की कृपा करें। श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी के अभिग्रह का एक अंश पूरा हुआ। गुरुदेव श्री ने ऋखभचंद जी को 12 व्रत का स्वरूप समझाया और उसका आवश्यक पथ प्रदर्शन किया। अब गुरुदेव श्री और प्रमोद रुचि जी दोनों गोचरी के लिए पधारे। साधारण गृहस्थी के वहां प्रथम ग्रह में प्रवेश किया। भोजन समाप्त हो गया था, मात्र घर में 2 रोटी शेष थी। परिवार के मुखिया ने 2 रोटी और 1 पात्र में जल लेकर गुरुदेव श्री के सामने संकोचशील मन से उपस्थित हुआ। तब गुरुदेव श्री ने अभिग्रह पूर्ण हुआ ऐसा जानकर गोचरी ग्रहण की और बाहर निकले। एक बार गुरुदेव श्री एक समय राजगढ़ में थे। एक दिन उन्होंने अभिग्रह लिया, जो उन्हें गोचरी में पहले राख देगा उसी के यहाँ ये गोचरी भोरेंगे, उसी के यहाँ की गोचरी करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, दादा गुरुदेव इतने बड़े आचार्य भगवंत अद्भुत तपस्वी योगी महात्मा, ऐसे महापुरुष को गोचरी में राख कौन भोराएगा? ऐसे हमारे दिमाग में न बैठे उस तरह के अभिग्रह थे गुरुवर के। दादा गुरुदेव गोचरी के लिए कस्बे में जाते हैं लेकिन अभिग्रह की पूर्ति नहीं होती देखकर गोचरी लिए बिना ही वापस लौट आते। इस क्रम में 7 से 8 दिन गुजर गए। भक्तगण भी प्रतिदिन अपने अपने घर में नाना प्रकार की भोज्य सामग्री तैयार करते लेकिन सब निष्फल। गुरुदेव आते और बिना गोचरी लिए ही लौट जाते। एक दिन एक वृद्धा के घर गुरुदेव पहुंचे। वह बर्तन साफ करने के लिए राख लेकर जा रही थी। तब वह बोली कि 8-10 दिन तक नाना भोजन पकवान बनाए, उन्हें स्वीकार नहीं किया तो अब क्या राख लोगे आप? और यह कहकर सचमुच उस वृद्ध महिला ने राख भरकर गुरुदेव के सामने रख दी। गुरुदेव ने भी नम्रता पूर्वक कहा कि हाँ, मुझे इसी की आवश्यकता थी। यह कहकर गुरुदेव ने राख को अपने पात्र में लेकर अपना अभिग्रह पूर्ण किया और फिर उपलब्ध गोचरी ग्रहण की। ऐसे थे गुरुदेव श्री, जो अपने साध्वाचार की अनुपालना में तनिक भी ढील या व्यवधान को स्वीकार नहीं करते थे। अपने अभिग्रह संकल्पों की दृढ़ता से पालन करना उनके तपस्वी जीवन का मुख्य अंग था। तभी तो उन्होंने अपने युग का प्रतिनिधित्व करके धर्म क्रांति का बीजारोपण किया। राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा सिर्फ चमत्कार से जुड़े व्यक्तित्व नहीं थे, चमत्कारों के साथ साथ उन चमत्कारों का संपूर्ण श्रेय उनके संयम के अंदर रहे हुए उपयोग को जाता है। वे संयमी पहले थे, फिर ही सिद्धि को पाने वाले सिद्ध पुरुष थे। तप और अभिग्रह उनके जीवन में पानी और खून की तरह बहता था। ऐसे राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब को आज के दिन हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं।
और ऐसे महापुरुषों की प्राप्ति जिन शासन को हमेशा होती रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।